ये नजारा है उत्तर प्रदेश के बागपत का। आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस कर्मी को दौड़ा दौड़ा कर ये लोग पीट रहे हैं। आम जनता से पिट रहे इस पुलिस कर्मी के चेहरे पर डर के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। एक पुलिस कर्मी और उसके पीछे दौड़ते, गालियां देते, धुतकारते ये लोग, युवा से लेकर बुजुर्ग तक फुल पावर में धुतकारते और चप्पलों की बरसात कर इस पुलिस कर्मी को सबक सिखा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि जो पुलिस अपराधियों को पीटती है, आज वही पुलिस खुद कैसे पिट रही है। तो जनाब सुनिए इस पुलिस कर्मी की हरकत। चप्पलों से पिटकर भाग रहे इस पुलिस कर्मी ने दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सुरूरपुर गांव के पास बहु बेटियों से छेड़खानी की, तो निकल पड़े सभी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, इस वर्दी धारी की वर्दी का घमंड चूर करने। एक बार फिर देखिए कैसे ये सभी लोग दे दनादन चप्पलों की बरसात कर इस वर्दी धारी की अकड़ और अकल दोनों ठिकाने लगाने निकले हैं। अपनी शर्मसार हरकत करने के बाद ये वर्दी धारी तो चप्पलों का भोग खाकर भाग लिए। इस मामले में एएसपी ने बागपत कोतवाल को जांच तो सौंप दी है, लेकिन बागपत की इस आम जनता ने दिखा दिया कि जिस खाकी पर छेड़छाड़ रोकने की जिम्मेदारी है, यदि वही खाकी छेड़खानी में शामिल होगी तो फिर आम जन हो या फिर पुलिस कर्मी ही क्यों ना हो, उसका स्वागत गालियों से और विदाई चप्पलों के भोग से ही की जाएगी। बागपत से दुष्यंत त्यागी की रिपोर्ट।